करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय कभी बाज बेनती जो भई बादशाही दसनी हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय संगरिए मैं चाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहू सुकुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे भाई है चुन चुन सदर हमारे भाई है
आप हाथ दे मुझे उतरिए मरण काल का त्रास भरिए राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल का ये ब्रह्मा बपतरा काल का ये शिवजु अवतरा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा दूतियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात जचन उपजायो नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव तन को शिव गुण सुख दियो सतन को पल मोह भक्ति कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी बुद करक करा कर तारा पर जा थर तब दे अपारा जेते बदन सृष्ट सब थार है आप अपनी भूल उचार है निरंकार निर्विकार निर्लंग आद अनिल अनाद असंग कान अनुमान महामूल कछ भेद न जानता आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण तेन तेन तुह देती एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राम की रूपा राजा है बैठा कहूँ से मत पे शंकर कहता अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगो जे अस्तुल तब सरनी करे तिनके दुष्ट दुखद मरे कोई पबार ते आए हैं ताके काल कटने हैं अच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट करे तत काला कृपा दृष्ट तन जाए नहर हो ताके ताप तक मोहर हो रित सिद्ध कर हो सब होई दुष्ट शास सतन होई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पास ते ताहे उबारा सर्व तिहारी आप हाथ रहे हो बारी सर्व टोर मोह सहाई दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। वाहे गुरु कर बंदिया रब
आखर जाना मर बंदिया वाहे गुरु वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे एक एक श्वास अमोलक जावे हाथ ना आवे लखी नाम जपन को जेवा दिती हर दर्शन को अखी एक एक श्वास अमोलक जावे हाथ ना आवे लखी मानस जन्म अमोलक पाया मानस जन्म अमोलक पाया जप के सफला कर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे सच दी नेक कमाई कर ले मुक्त होवेगा भाई जिस देही देव ते लोड़न सो देही तुम पाई सच दी नेक कमाई कर ले मुक्त होवेगा भाई नाम जपना ते वंड के शकना नाम जपना ते वंड के शकना गुण चंगियाया कर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया वाहे गुरु कर बंदिया रब दे कहर तो डर बंदिया मन होए निहार जां गुर देखा सामने तन मन होए निहार जां गुर देखा सामने अंदर सच्चा ने हो अंदर सच्चा ने हो लाया प्री तुम आपने मन होए निहार जां गुर देखा सामने तन मन होए निहार जां गुर देखा सामने हर नाम विसाहो और पूरे ते पाया अमृत अदुम्य था हो सतगुर वेखो
सिया हर नाम में लगा प्यार कृपा करके मिलियन पाया मोख द्वार पाया मोख द्वार तन मन हुए निहार जांगुर देखा सामने तन मन हुए निहार जांगुर देखा सामने अंदर सच्चा ने हो अंदर सच्चा ने हो लाया प्री तुम अपने तन मन होए निहार जागुर देखा सामने तन मन होए निहार जागुर देखा सामने सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन देओ जे पूरे पहोवे लिखिया अमृत सहज पियो अमृत सहज पियो तन मन होए निहार जांगुर देखा सामने तन मन होए निहार जागुर देखा सामने अंदर सच्चा ने हो अंदर सच्चा ने हो लाया प्री तुम अपने तन मन होए निहार जागुर देखा सामने तन मन होए निहार जागुर देखा सामने सुतियां गुर सालाइए भी गुरिया लाओ कोई ऐसा गुरमुख जे मिले ताके तो पाओ ताके तो पाओ तन मन होए निहार जांगुर देखा सामने तन मन होए अंदर सच्चा ने हो अंदर सच्चा ने हो लाया प्री तुम अपने तन मन होए निहार जागुर देखा सामने तन मन होए निहार जागुर देखा Oh.
जन्म जन्म के दुख निवारे, जन्म जन्म के दुख निवारे, दुख निवारे, जन्म जन्म के दुख निवारे, निवारे सुखा सा
बैर गुरु गोविंद, हर हर नाम औ खद मुख देवे, काटे जम की फंदा। वाणी की ताकत, वाणी की ताकत सत्संग जी बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं। कई लोग तर्क करते हैं कि मन ना जुड़े तो नाम नहीं जपना चाहिए, अगर वाणी समझ में नहीं आती है तो सुनकर क्या फायदा है। हर से बोले धन गुरु नानक, ये हमारे अपने दिमाग के तर्क हैं, पर वाणी की ताकत समझ में आए या ना आए, मन जोड़कर सुनो या बिना मन जोड़कर, उसने अपना काम कर देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन जोड़कर सुनोगे तो शर्तिया काम होगा, शर्तिया। पर अगर मन जोड़कर नहीं भी सुना, मन जोड़कर नहीं भी जपा, तो भी वाणी की ताकत ऐसी असाध रोग, जो रोग डॉक्टर कह देते हैं कि दूर हो ही नहीं सकते, वो भी खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है गुरु अर्जन देव जी के समय की। जहांगीर बादशाह का एक वजीर, एक अहलकार जिसका नाम इतिहास में आया है वजीर खां, उसे जलोदर का रोग हो गया। जलोदर का रोग कहते हैं पेट में पानी भर जाता है, पेट में अफरा रहता है, हमेशा तकलीफ रहती है। वजीर खां को जलोदर का रोग हो गया। कुछ दिनों तक घर वाले सेवा करते रहे, पर उसका दर्द खत्म ना हुआ, चिल्लाता रहता पूरी रात, हाय हाय करता। जब काफी वैद्यों से इलाज करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ा, वैद्यों ने कह दिया ये ठीक नहीं हो सकता, घर वालों ने परेशान होकर उसकी खटिया उठाकर घर के बाहर बरामदे में रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन हाय हाय करता रहता है, शांति नहीं रहती घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो वाणी बार बार कहती है जाग ले ओ मना जाग ले हो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जाग ले, समझ ले, ये तेरा तन जिसे तू साथ में लेकर आया था, अंत समय ये भी साथ छोड़ जाता है। ये घर परिवार तो बंदा ही तेरे सुखों से हुआ, जब तक तू उन्हें सुख दे रहा है वो तो तेरे साथ है, तो अगर उनके दुखों का कारण बन गया तो वो तेरा साथ जीते जी छोड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वजीर खां रोता है पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन। नौकर के हाथ से खाना बेच देते हैं उसे, कोई मिलने नहीं आता, बरामदे में बैठा हाय हाय करता है। एक दिन अमृत वेले रात के समय जाग रहा है, हाय हाय कर रहा है, वहां से एक गुरसिख गुजरा और वो क्या पढ़ रहा था, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मन मिटावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो जास संसार के, नाम जपत अगर अने। भाव श्री सुखमणि सिंह जी की वाणी पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं अमृत वेले। जब वजीर खां के कानों में ये पंक्तियां पड़ी,
उसे दर्द में आराम महसूस हुआ। प्यार से बोले धन गुरु नानक। वजीर खां हैरान हुआ कि इतनी तकलीफ पर जब ये यहाँ से गाते हुए गुजरा तो मुझे आराम आ गया, और वो गुजर गया तकलीफ फिर बढ़ गई। कई दिनों तक वजीर खां इस बात को नोट करता रहा कि जब ये गुरसिक ये आयते ये कलामे पढ़ते हुए जाता है, मुसलमान था वजीर खां, उसे लगा ये कोई कलाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचता है जब ये कलामे पढ़ते हुए ये सिख यहाँ से गुजरता है तो मुझे आराम आ जाता है। अगले दिन जब अमृत वेले वो गुरसिख वहाँ से गुजरा, सुखमणि साहब जी की बाणी पढ़ते पढ़ते तो वजीर खां ने आवाज लगाई, हे गुरु के सिखा जरा मेरी बात सुन। वो गुरसिख के पैर रुक गए, एक दुखी की आवाज सुनकर रुक गए। आया उसके पास, कहने लगा बताओ। वजीर खां कहने लगे ये कौन सी कलाम पढ़ते हो, जब भी आप यहाँ से पढ़ते हुए जाते हो मुझे आराम आ जाता है, दर्द मेरा कम हो जाता है। तो वो सिख कहने लगा ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की रची हुई बाणी श्री सुखमणि साहब जी का पाठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजीर खां ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा ये सिखा क्या रोज मुझे एक पाठ बैठकर सुनाया करेगा, यहाँ पर मेरे पे तरस कर, मैं बहुत बीमार हूँ, दिन रात हाय हाय करता हूँ, एक पाठ रोज सुना दिया कर। वो गुरसिख मान गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज जब भी वहाँ से गुजरता अमृत वेले पहले इसके पास एक पाठ श्री सुखमणि साहब जी को सुना कर फिर आगे जाता है। काफी दिनों तक पाठ सुनने के बाद वजीर खां को बहुत आराम आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वजीर खां कहने लगा मैं उठने लायक हो गया हूँ, थोड़ा मुझे भी उस गुरु के दर्शन करा ताकि उन्हें दर्शन करके उनसे फरियाद करूं जिसकी बाणी में इतनी ताकत है कि मेरे रोग आराम आ गया है, अगर वो अपने मुखारविंद से दो वचन कहे तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरसिख कहने लगा तेरी भावना तेरी श्रद्धा पर मुझे विश्वास है, चल पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज तेरा रोग जरूर ठीक करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम के फंदा गुरसिख वजीर खां को अपने साथ लेकर कहाँ चल पड़ा, श्री अमृतसर साहब हरमंदर साहब की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज संगत को दर्शन दे रहे हैं, जब वजीर खां ने दर्शन किए चरण पकड़ लिए कि हे गुरु नानक मुझ पे तरस कर, मेरे जलोदर का रोग दूर कर दे, मैं बहुत श्रद्धा से बड़ी भावना से बड़ी उम्मीद से आपके चरणों में आया हूँ, मेरा ये रोग दूर कर दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने भक्तों को बढ़ाई देते हुए कहने लगे
सेवादार से कहने लगे इसे बाबा बुड्ढा जी के पास ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी हरमंदर साहब के सरोवर की कार सेवा करवा रहे, सर पर टोकरी उठाई हुई, मैले वस्त्र कीचड़ से भरे हुए सेवा कर रहे हैं, संगत से सेवा करवा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। जब वजीर खान उनके पास पहुंचा, बेनती की कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आपके पास भेजा है, मेरा रोग ठीक कर दो जलोदर का। बाबा बुड्ढा जी ने ध्यान ही नहीं दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाबा बुड्ढा जी कौन साहब से गए थे जो भाई लहना गुरु अंगद देव जी के साथ जिन्होंने गुरु नानक पातशाह की संगत की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनकी 125 वर्ष की आयु, जिनका जीवन इतना धन्य, इतना धन्य, इतनी निम्रता वाला कि जो गुरु उनके वर से हुए, गुरु हरगोविंद साहिब जी जिनको गुरुगद्दी पे खुद बिठाया, जिन्हें शस्त्र विद्या खुद सिखाई, बाद में माथा भी उनको खुद टेका, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी निम्रता सारे गुरु, पूर्ण महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था। लिखारी लिखता है कि भाई बाबा बुड्ढा जी ने देखना चाहा कि इसमें निम्रता है कि नहीं। अब सुखमनी साहब जी की बाणी सुनकर और गुरसिख की संगत कर वजीर खां में थोड़ी निम्रता आ चुकी थी। बाबा बुड्ढा जी ने उसे हाथ से पकड़कर एक तरफ कर दिया और सेवा करने लगे। दूसरी बार जब उसने कहा तो बाबा बुड्ढा जी कहने लगे कि करना कराना तो सब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुद होता है, तंग करने के लिए मेरे पास भेज देते हैं लोगों को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि करना कराना तो गुरु ने खुद है, मेरा नाम बढ़ाने के लिए मेरे पास भेज देते हैं कि तू ठीक कर दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब तीसरी बार वजीर खान ने बेनती की, बाबा बुड्ढा जी के सर पर टोकरी थी, जोर से उसके पेट पर मार दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त उसके पेट का सारा पानी बह गया, उसका रोग दूर हो गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसने किया? श्री सुखमनी साहब जी की बाणी। और किसने? पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज। क्या वो कहीं चले गए हैं? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के दे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। मानो यह प्रगट गुरा की देह है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह गए हैं, खुद गुरु, दसवें गुरु नानक, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रगट गुरा की दे है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहीं गए नहीं। जो विश्वास रख के भावना से इस बाणी को सुनते हैं, उनके रोग आज भी दूर होते हैं। साथ संगत जी आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम वासु भरद्वाज है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हड्डियों का कैंसर है, ठीक नहीं हो सकता, जवाब दे दिया डॉक्टर। अब उसकी साली जो सिंधी है वो कहती है कि मुझे गुरु नानक पे भरोसा है, अखंड पाठ सब सुनो, क्योंकि वो संगत करती है सर्व रोग के औखद नाम के मिशन वालों के। किसी ने सवाल किया कि ना मुझे गुरुमुख शिव समझ में आती है, ना बाणी समझ में आती है, मैं सुनूंगा मुझ पर असर कैसे होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा असर कैसे होगा? तो महापुरुष ने जवाब दिया, ये गोली है, डॉक्टर तुम्हें लिख कर देता है, तुम खा लेते हो। अभी गोली में कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, कैसे बनी है तुम्हें नहीं पता, वो अंदर जाके अपना काम कर रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाणी, इसकी ताकत कानों के रास्ते से अंदर अगर जा रही है, आप सुन रहे हो। दास ने कहा था सुनने की कला होती है,
अगर मन वृत्ति कागर चित होकर सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, समझ में आए या ना आए, ये अपना अंदर जाकर काम कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण इसकी जरूरत नहीं। सारे अस्पताल मरीजों से बड़े पड़े। गुरबाणी में पंक्ति आती है, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण हो गए, सिमरो तुमरा नाम। आगे पंक्ति आती है, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभ जापण। कहे पाचा मुझ पर कृपा करना कि मेरे अंत समय तक मेरा शरीर स्वस्थ रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मांगा है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो नाम जप सकते हैं। अगर सर दर्द हो रहा हो ना, उसे को सुखमनी सब्जी का पाठ कर ले तो नहीं होगा। जब दांत में दर्द होता है तो दांत की कीमत का पता चलता है। तब तक ध्यान नहीं चाहता तब तक दर्द नहीं। कहने का भाव दास ने पहले भी कहा था कि अगर दूसरों को गिरते हुए देखकर सीख लेंगे तो समय बच जाएगा, वरना स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर खुद गिरकर सीखना पड़े तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये शरीर है, कभी भी रोग लग सकते हैं। जब अस्पताल भरे पड़े हैं, हमारे भी कभी भी नंबर आ सकता है, कुछ पता नहीं। तो जरूरी है कि गिरकर ही सीखना है। वाणी की ताकत को समझो। मैं नीचे बैठता हूँ ना, मेरा मन होता है कोई आके गुरु की बात पूछेगा। लाइन लगी होती है कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। मैं समझा कर थक गया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद दुखी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कुछ सवारना है आपका, गुरबाणी ने सवारना है। श्री सुखमनी साहब जी की बाणी से जुड़ो, बाणी से जुड़ो, बाणी से, किसी इंसान से नहीं। इंसान आज है कल नहीं, गुरबाणी कल भी थी आज भी है और कल भी रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी से जुड़ो, जो भी दुख आए गुरु नानक के आगे अरदास करो, अमृत वेले उठो, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, सुखमनी साहब जी के पाठ की लड़ी चला लो, दुख दूर होने ही होने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये जो VTC पे तभी रखा जा सकता है कि कम से कम 40-50 हज़ार संगत हो, बहुत बड़ा ग्राउंड है। आप दूसरों पे तर्स करो, अपने आप पे भी करो, दूसरों पे भी करो। इस हफ्ते मैंने सोचा था रिसिप्ट बुक बांटेंगे पर छप नहीं पाई, जितनी जल्दी हो सके छपा के आप सबको दी जाएगी। मैंने 25 छोड़ के 13-13 गुरु नानक के 13-13 की रिसिप्ट बुक बनाई है। हर आदमी ने 13-13 मेंबर बनानी है, जाकर चाहे घर में, चाहे अपने रिश्तेदारों में, चाहे आसपास पड़ोस में दुकानदारों, दुश्मनों को भी पकड़ो, उन पे भी तरस करो, उनको बोलो आओ। तो फिर से दास हाथ जोड़कर बेनती करेगा कि ये संगत का है। देखो हम सब एक परिवार हो चुके हैं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, हम सब मिलकर एक हो जाएंगे ना। सब ये समझेगा कि मैंने इस तरह कुछ करना है संगत के लिए, जिस तरह से मैं सोचता हूँ वैसे अगर आप लोग सोचने लग गए एक एक आदमी, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ। तो जब रिसीट बुक बांटी जाए, और बांटने के बाद मैं नीचे खुद आप लोगों से अपने हाथ से लूंगा वो रिसीट बुक, कितने कितने अपने लोगों ने बनाए। एक एक आदमी सिर्फ 13-13 को जोड़ेगा, साइन लेके आएगा, फोन नंबर लेके आएगा, समय बताया जाएगा, इसने समय वहां पे पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी जकारा बुलाकर प्रेम का सबूत दीजिए कि पक्का ये करेंगे सारी संगत। सत श्री अकाल, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े, कितनी कमाल की बात है कि ये बासु भरद्वाज जी ये मानते भी नहीं थे गुरु को। जो गुरु को मानता नहीं है, पहली बार गुरबाणी सुनी, पहली बार, और जब श्री सुखमनी साहब जी की बाणी शुरू हुई, देह रोग हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा सुनना हमें आ जाए बस।
समरक पुरन विदाते आपे करने सारुल जाना सी सानू किते ना मिल दी था असा मर जाना सी जे तू ना फड़दा वा असारुल जाना सी सानू किते ना मिल दी था असा मर जाना सी असा पते आवांगू दर दर धक्के खाने सी असा पते आवांगू दर दर धक्के खाने सी गल गल विच अखिया विच हंजू आने सी गल गल विच अखिया विच ਹੰਝੂਆਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਦਾਮਨ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਦਾਮਨ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ सानू किते ना मिलदी था असा मर जाना सी।
हसदी खेडदी होंदी ऐ जिंदगानी सी, ना हसदी खेडदी होंदी ऐ जिंदगानी सी। इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी, इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। तुसी देंदे ना खुशियां असार रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असा मर जाना सी। तुसी देंदे ना खुशियां असार रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असा मर जाना सी। किनियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे, पावे किनियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे। मेरे सतगुरु थोड़ा कर्ज चुका नहीं सकदे, मेरे सतगुरु थोड़ा कर्ज चुका नहीं सकते। तुसी कर देना कृपा असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असा मर जाना सी। तुसी कर देना कृपा असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असा मर जाना।
शब्द तित कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया पंच दूत खुद वस कीते काल कंट कुमारिया उन कर्म पाया खुद जिन को से नाम वर के लागे कह दे नानक तैस गोरा तित कर अनहद वाजे
बाजे आनंद समोड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरु के जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर रखिया पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत इस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म दूर करमिया पो अपने के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गे मुशक्त काल नानक ते मुख उजले केती शुति नाल जिन्नी नाम ते आया गे मुशक्त काल नानक ते मुख उजले केती शुति नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय
गुरु जी सदा Oh, my God.